बार आम जनता चुनाव लड़ रही है फ्यूचर में। क्या मुद्दे हैं? विकास, जो पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, विकास को गति मिलेगी। सरकार के साथ फ्यूचर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी फ्यूचर की भागीदारी होगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछले 20 साल से अवरुद्ध है। पिछला चुनाव आप कम मार्जिन से हार गए थे, अब क्या रणनीति है उस मार्जिन को बढ़ाने? पिछली बार भी सारे जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा, इस बार खींवसर की आम जनता, 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और आम कार्यकर्ता, आम जन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और खींवसर फतेह होगा या कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी होगी। सर, एक सिंगल लाइन में ये बता दीजिए, आज बीजेपी के तमाम जितने भी वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और आयोगों के अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों के साथ नामांकन दाखिल किया, ये एक लाइन बता दीजिए। सारे लोग साथ हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी और हमारे पूर्व एमपी साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे मंजू जी बागमार राजस्थान सरकार में मंत्री जी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम पदाधिकारी, कोई आम कार्यकर्ता, सभी साथ है और सब मिलके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। खरा साहब, अब आप मैदान में उतर गए, क्या देखते हैं चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत लक्ष्य यही है कि पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था सुधार। और पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इन कामों को करने में सफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान के सातों विधानसभा के उपचुनाव में पूरी क्षमता के साथ उतरे और सातों विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मैडम, क्या देखते हैं आज? देखिए, जिसमें सारी हल्कीपूर्ण सारे हमारे आयोग के अध्यक्ष वगैरह सब लोग, हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। और चूंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और अभी अपने पिछले एक साल में देखा है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर विकास की गति आगे बढ़ रही है, उसी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय रेवतराम जी ने, डागा साहब ने आज यहाँ पर पर्चा दाखिल किया और सारी भारतीय जनता पार्टी एक होकर खींवसर में निश्चित रूप से इस बार जो है कमल का फूल खिलेगा। एक मिनट।